मेरी सभी आंगनबाड़ी बहनों को नमस्ते और प्रणाम। मैं आपकी दोस्त अनीता कुशवाहा आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर PHI का वितरण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हम लोग जिन बच्चों को देना है, बच्चों का नाम और उनके अभिभावक का नाम और क्या क्या सामग्री दे रहे हैं वो सब हम लोग चढ़ा लेते हैं और उसी सामग्री को यहाँ पर हम लोग पैक करके रखे हुए हैं। उसमें तेल है, नमक है, मसाला है, दाल, चावल और सोयाबीन। तो अभी हम लोग के यहाँ THR का जो वितरण है वो 12 बजे से शुरू करना है। तब तक जितना भी सामग्री है हम लोग उसको इकट्ठा करके या रख लेते हैं और जब 12 जैसे ही बजेगा लाभार्थी एक एक करके आना शुरू करेंगे और हम लोग वितरण शुरू करेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग अपने बच्चों को नाश्ता बांट दिए हैं और खाना बन रहा है। जब खाना बन जाएगा तो इन लोग को 2 बजे हम लोग खाना खिला करके उसके बाद छोड़ेंगे। आप लोग देखिए कैसे एक एक करके सभी लाभार्थी आ रहे हैं और हम उनका निशान ले करके और उसके बाद से मैं और मेरी सहायिका दोनों लोग मिल करके THR का वितरण करना हम लोग शुरू किए हुए हैं। आप लोग देख सकती हैं जैसे कि एक बार में पूरी महिलाएं एकत्रित नहीं हो पाती हैं तो जैसे जैसे महिलाएं आना शुरू कर देती हैं हम लोग THR का वितरण 12 बजे के बाद शुरू कर देते हैं। देखिए आप लोग तेल हो गए, मसाले हो गए हैं और दाल, चावल और सोयाबीन हम लोगों ने वितरण करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम लोग यहाँ भी बिहार में 1 किलो 875 ग्राम चावल और 750 ग्राम दाल इस प्रकार से इतना ज़्यादा मात्रा कम है कि हम लोग को खुद इतना मैंने मत पूछिए कि कितना दिक्कत होता है हम लोग को वितरण करने में। और जो सरकार है वो हम लोगों को जिस रेट से मार्केट में सामान मिल रहा है उस रेट से हम लोगों को पैसा नहीं दे रहा है जिस वजह से हम लोग को इतना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है THR के वितरण में। देख रहे हैं आप लोग कि मैंने THR का वितरण समय से शुरू कर दिया है। एक एक करके सभी महिलाएँ आ रही हैं और जा रही हैं। हम लोगों को लगातार इसी तरह से सुबह 10 बजे से लेकर THR वितरण के दिन 4 बजे तक पूरा दिन भर हम लोग मेहनत करती हैं। आप लोग देख ही रहे हैं। मैं अपनी सभी सेविका बहनों से अनुरोध करती हूँ आप लोग भी समय से जो अपना है ड्यूटी उसको समय से करिए ताकि कोई भी जांच आए या कुछ भी आए हम लोगों को दिक्कत ना हो। उसके बाद से जब THR का वितरण करते रहते हैं बीच बीच में हम अपने बच्चों को भी समझाते रहते हैं, सिखाते रहते हैं और उसके बाद अंत में उन लोगों को भोजन खिलाकर और हम लोग घर भेज देते हैं।